शीत सत्र के दूसरे दिन भी विरोधी पक्ष आक्रमक दिखाई दिया। किसानों को हेक्टरी 25,000 मुआवजा देने की मांग विपक्ष से की गई। इस वक्त भाजपा विधायक गिरीश महाजन इनसे की गई खास बातचीत पेश है, आइए डालते एक नजर। गिरीश महाजन जी, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। आज भी दूसरे दिन विरोधी पक्ष जो है पूरा जोश में दिखा है कि क्या बताओगे, दूसरे दिन भी शीत सत्र के दूसरे दिन भी विरोधी पक्ष जो है पूरे जोश में दिखाई दिया है। बिल्कुल, कल का दिन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। स्वतंत्र वीर सावर जी के बारे में जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी उसको लेकर हमने सदन में हंगामा किया, और उसके लिए खाली राज्य ही नहीं पूरे देश के लोगों की भावना जो राष्ट्रभक्त है उनकी बहुत सख्त है। और आज किसानों के बारे में आप देखा होगा कि सरकार आने के पहले सभी पक्षों से, ना हो कांग्रेस हो राष्ट्रवादी हो, सभी ने पूरे राज्य में घूम के कहा कि 25,000 रुपये हम लोग देंगे, हेक्टरी मदद किसानों को करेंगे, तुम्हारा 7-12 का जो उतारा एब्स्ट्रैक्ट है वो हम बैन करेंगे, कोरा करेंगे। आज सरकार में आने के बावजूद आने के बाद कोई भी घोषणा की अमल बजावनी यहाँ पर नहीं हो रही है। कोई घोषणा जो उन्होंने की थी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। किसान आज परेशान है, किसान आज संकट में है, लेकिन कोई उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी मांग आज यही है कि आपने जो भी घोषणा की थी, आपकी ये सब मांग है, तो किसानों को मदद कीजिए। सभागृह भी इसी मुद्दे को लेकर गूंज उठेगा, यही मांग आप? बिल्कुल, ये हमारी प्रमुख मांग है। किसानों को पहले उतारा उसका ब्लैंक करो, उसको 25,000 रुपये हेक्टरी मदद दो, ये हमारी प्रमुख मांग को लेकर हम लोग आज सदन में हंगामा करेंगे। तो हमारे साथ गिरीश महाजन जी थे, उन्होंने बताया कि हम आज सभागृह में भी किसानों की मांग को लेकर जो है हंगामा करेंगे और ये मांग रखेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।